नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे सैंड, रेत, रेत को आप काउंट कर सकते हैं, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं 4 water, 5 water, 6 water, नहीं ना, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। काउंटेबल नाउन के जैसे कि मेरे पास एप्पल, एप्पल मैं बोल सकती हूँ ना, मेरे पास 4 apple है, 5 apple है, 6 apple है। हम एप्पल को गिन सकते हैं, हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं। अब जैसे पेन या पेंसिल, अब मैं बोल सकती हूँ ना मेरे पास 4 pen, 5 pencil है, तो मैं गिन सकती हूँ ना पेन पेंसिल को, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स यानी एक्सरसाइज भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो अब हमको बताना है कि इन सब में से कौन सा काउंटेबल नाउन है एंड कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हनी। क्या आप हनी को गिन सकते हैं? 1 honey, 2 honey, 3 honey, नहीं गिन सकते आप हनी को, तो हनी आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम लिखेंगे सबसे पहले honey, हनी। सो ये हो गया हनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में। फिर फ्लोर, क्या आप फ्लोर को गिन सकते हैं? फ्लोर मतलब मैदा, मैदा को आप गिन सकते हैं? नहीं, मैदे को भी आप नहीं गिन सकते, तो ये फ्लोर आएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फ्लोर। फ्लोर की स्पेलिंग आप याद भी करते चलिएगा। फिर एप्पल, क्या आप एप्पल को गिन सकते हैं? हाँ, आप एप्पल को गिन सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, मेरे घर में 4 apple है, मेरी छोटी बहन ने खा लिया, अब 3 apple है मेरे पास, तो एप्पल को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 में। तो हम एप्पल को लिखेंगे काउंटेबल नाउन में। तो सबसे पहले हम एप्पल लिख देते हैं appl, एप्पल। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन में। फिर कप्स, क्या आप कप्स को गिन सकते हैं? नहीं, नहीं आप कप्स को गिन सकते हैं कि मेरे घर में 5 cup है, 6 cup है, 10 cup है, 12 cup है, और आप कप को गिन सकते हैं ना कि इस कप के पैकेट में टोटल 6 cup है और इस कप के पैकेट में तो 7 cup है, ऐसा आप गिन सकते हैं ना कप को। तो ये आएगा हमारा काउंटेबल नाउन में। तो कप भी हम लिखते हैं काउंटेबल में CUPS, कप्स। फिर वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हैं? 1 water, 2 water, 3 water, नहीं आप वाटर को नहीं गिन सकते, तो इसे हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। वाटर को हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में WATER, वाटर। फिर पेंस, पेंस को आप गिन सकते हैं? नहीं, नहीं आप तो पेंस को गिन सकते हैं ना, मेरे पास 5 pen और 5 pencil है, ऐसा आप बोल सकते हैं ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ अंकल 6 pen दे दो, ऐसा आप बोल सकते हैं ना, तो पेन को आप गिन सकते हैं। तो पेन हमारा आएगा काउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेंस, PENS, पेंस। फिर शुगर, क्या आप शुगर को गिन सकते हैं? मेरे पास 1 sugar, 2 sugar, 3 sugar है, ऐसा आप बोल सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि शुगर तो अनगिनत हो गया, उसे कोई गिन ही नहीं सकता। तो फिर शुगर को हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। तो शुगर, SUGAR, शुगर। तो शुगर भी हो गया। अब आपको, मैं आशा है कि आपको काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी अमेजिंग वीडियोस आपके मोबाइल तक पहुंच